Hello everyone, welcome to my channel. And in this video, we'll be discussing about the importance of relationship marketing and customer relationship management. के होता क्या है, what exactly are these two terms, और क्या ये important है किसी भी company के लिए आज की date में follow करने के लिए. So let's find out. So let's start. Role of personal selling in relationship marketing and CRM. Present scenario. In today's competitive world where it is difficult to create and sustain competitive advantage only through products, company need to add value to compete successfully. In order to add value, it is essential to understand customers' needs and have a long-term relationship with them. So let's underline this long-term relationship with them. Because of this, it has given rise to the concept of relationship management, relationship marketing and CRM. चलो इसको समझते हैं भाई क्या कह रहा है ये. दिस इज टेलिंग दैट कि भाई आज के डेट में इतना कंपटीशन हो गया है, 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इतना कंपटीशन हो चुका है आज की डेट में कि भाई इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी नॉट ओनली टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट. भाई प्रोडक्ट बनाकर आप नहीं जीत सकते कस्टमर, आपको उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है. आपको उसके साथ एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, और इसकी वजह से रिलेशनशिप मार्केटिंग जैसे कॉन्सेप्ट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट आए हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. रिलेशनशिप मार्केटिंग भाई सिंपल सा मतलब है, इसकी पहली डेफिनेशन देखते हैं फिर मीनिंग डिस्कस करेंगे. रिलेशनशिप मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू AMA अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने जो डिफाइन किया है, रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग विद कॉन्शियस एम टू डेवलप मेंटेन अ लॉन्ग टर्म ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटिंग सप्लायर्स एंड अदर पार्टीज इन द मार्केटिंग एनवायरमेंट. भाई हमारे को एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना है अपने कस्टमर के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ और अदर पर्सन के साथ. कस्टमर जिनको हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ना सिर्फ उनके साथ हमें बनाना है, जो हमारे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमारे को रॉ मटेरियल लाके दे रहे हैं, सप्लायर्स जो हमारे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, और दो और भी जो अदर लोग अदर पार्टीज हैं जो भी इन्वॉल्व है हमारे साथ बिजनेस में, उन सबके साथ हमारे को एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना है. रिलेशनशिप मार्केटिंग रेफर्स टू बिल्डिंग म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द की पार्टीज इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन बिजनेस. सो बेसिकली यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब है कि ना सिर्फ हमें अपना फायदा देखना है, बल्कि हमारे को किसी वी हैव टू ऑल्सो गिव. There has to be a give and take relationship. It is not only about giving, getting and getting. भाई लेते ही रहेंगे हम सिर्फ जितना मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, बस हमें अपना देखना. नहीं, ऐसे नहीं चलता आज की डेट में. यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद द अदर पार्टी. यू हैव टू गिव वैल्यू टू इन ऑर्डर टू गेट वैल्यू. तो पहले गिविंग फर्स्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बात कर रहा है रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है. नीड टू डेवलपिंग कस्टमर रिलेशनशिप अकम्पलिशिंग देयर ओन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अकम्पलिश करने के लिए फोकसिंग एंड अचीविंग कॉम्पिटेटिव पोजिशन इन द मार्केट. भाई मार्केटिंग में हमारे को एक कॉम्पिटेटिव पोजिशन बनानी है, उसके लिए हमारे को इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप बनाना. अट्रैक्ट एंड कीप प्रॉफिटेबल कस्टमर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. हमारे को अट्रैक्ट करना है और अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना है, प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को अपने साथ कनेक्टेड रखना है. ये अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे. सिक्योरिंग न्यू ऑर्डर्स लीडिंग थ्रू इन्फॉर्मेशन थ्रू कलेक्टिव, ठीक है. सो बेसिकली क्या है, नए नए कस्टमर्स को कैसे बुलाएंगे हम, नए नए कस्टमर्स को बुलाएंगे थ्रू लीड्स, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू कस्टमर्स. न्यू ऑर्डर्स लीड शुड बी इन्फॉर्म थ्रू इन्फॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड थ्रू कस्टमर. कस्टमर से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे हमें नए कस्टमर जनरेट करने हैं, नए लीड्स लाने. लाइक यू वुड यू लाइक टू रेफर दिस प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड और समबडी एल्स इन योर फैमिली. उनसे पूछ के उनका नंबर लो, उसका उनकी लीड्स का ईमेल आईडी लो, सब कुछ लो, ताकि हम उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकें. लेट्स कंटिन्यू. रोल ऑफ सेल्स पर्सन. भाई सेल्स पर्सन का क्या रोल है, क्यों इंपॉर्टेंट है. सेल्स पर्सन इज नॉट ओनली एक्सपेक्टेड टू मेक द सेल्स बट ऑल्सो बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर. भाई कंपनी का पर्सन जो है, ओनर जो है, या कंपनी अपने आप से तो एक रिलेशनशिप नहीं बना सकती ना कस्टमर के साथ. उसके बीच में जो मीडिएटिंग पर्सन होता है वो सेल्स पर्सन है. सेल्स पर्सन कौन है, सेल्स पर्सन जब वो जॉब पे होता है तो वो उसकी खुद की आइडेंटिटी खत्म है. वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज रिप्रेजेंटिंग द फेस ऑफ द कंपनी. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग टू अ सेल्स पर्सन, वी आर नॉट टॉकिंग टू अ पर्सन, वी आर टॉकिंग टू द कंपनी. सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. भाई अच्छे से ग्रीट करना, उसकी रिस्पेक्ट करना अपने कस्टमर की, अपने जो भी हमारे की पार्टीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बनाना,
बर्थडे विश करना, बर्थडे के दिन बैठ आओ, कोई कस्टमर आया है तो उससे चाय पूछना, उसको अच्छे फीलिंग कराना, तो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज बायर सेंट्रिक अप्रोच। भाई हम फोकस कर रहे हैं अपने बायर को, वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स द बायर कि भाई इज ही सेटिस्फाइड विद अस, सो दिस इज व्हाट इट इज। सेल्स पर्सन एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन सेलर एंड बायर। सेल्स पर्सन का क्या काम है? सेल्स पर्सन इंटरफेस है दोनों के बीच में, सेलर और बायर के बीच का इंटरफेस है। इट टेक्स द सजेशंस एंड फीडबैक फ्रॉम द बायर एंड कम्युनिकेट इट टू द सेलर फॉर इम्प्रोवाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग कस्टमर से फीडबैक लेंगे, वी विल टेक द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, एंड कस्टमर से फीडबैक लेने के बाद हम लोग कंपनी को बताएंगे कि भाई कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ रही है या ये चीज उसको इम्प्रूव करनी चाहिए प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ सेल्स पर्सन का रोल है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और देखो यार, अगर कम्युनिकेशन गैप रहेगा कंपनी और कस्टमर के बीच में, अगर सेल्स पर्सन ही नहीं होगा तो कंपनी को सपने तो आएंगे नहीं कि कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है। तो सेल्स पर्सन इज अ मीडिएटिंग पर्सन जो बताता है, दोनों के बीच में ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश करता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ सर्विंग द कस्टमर इन सच अ मैनर दैट कस्टमर रिटेंशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज इंश्योर्ड। भाई सीआरएम एक ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है, जो हमारी मदद करता है कस्टमर को रिटेन, रोक के रखने के लिए, अपने पास रोक के रखना कस्टमर को, कहीं जाने ना देना, अपना कस्टमर कहीं ना जाए, किसी और कॉम्पिटिटर के पास ना जाए, उसको पकड़ के रखना। एंड इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, भाई प्रॉफिटेबिलिटी तो तभी इंश्योर होगी ना जो हमारा कस्टमर है वो किसी और के पास नहीं जाएगा। अगर तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप एंड असिस्ट कस्टमर रिटेंशन एंड ड्राइव सेल्स ग्रोथ। भाई यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर को रिटेन करना है और सेल्स को ड्राइव करना है। रिटेन करके रखेंगे तो सेल्स ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बनाना। सीआरएम कंप्लाइज कस्टमर डेटा अक्रॉस, कंपाइल्स कस्टमर डेटा अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स लाइक टेलीफोन, लाइव चैट, डायरेक्ट मेल, सोशल मीडिया। तो भाई यहाँ से जितने भी सोर्सेज हैं हमारे, जितने भी सोर्सेज हैं कस्टमर हमारे पास आने के, टेलीफोन के थ्रू, चैट्स के थ्रू, डायरेक्ट मेल के थ्रू, जितने भी सारे सोर्सेज हैं उन सबको कंपाइल करना, सारा डेटा को कंपाइल एक ही जगह पर स्टोर करना। मॉडर्न डे सीआरएम यूज टेक्नोलॉजीज टू मैनेज अ कंपनीज इंटरेक्शन विद कस्टमर क्लाइंट्स अक्रॉस ऑल द सोर्सेज, जो अभी हमने ऊपर पढ़े, जितने भी सारे सोर्सेज हैं, कहीं पे भी बात हुई, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर ईमेल के थ्रू बात हुई है, या फिर हमने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है, या कुछ भी आपने किया, लाइव चैट के थ्रू आपने बात करी है, तो उसको सारे डेटा को, अलग अलग सोर्सेज के डेटा को कंपाइल कर कर एक ही जगह पर रखना। सो दैट इज वॉट इज सीआरएम। अब देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। लिसनिंग टू कस्टमर फीडबैक, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में जानना। बिल्डिंग एन एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस टीम, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, उसकी सर्विस टीम को एक सर्विस प्रोवाइड करना। रिवॉर्डिंग कस्टमर लॉयल्टी, भाई आप हमारी गाड़ी लेते थे, लेट सपोज आपके पास मारुति की गाड़ी है और आप नई गाड़ी भी मारुति की लेने चले गए, आपने बताया भाई हमारे पास तो वैगनआर है और अब हम ग्रैंड विटारा लेने आए हैं आपके साथ, तो उनको क्या बोला जाएगा, अच्छा आपके पास मारुति की गाड़ी है, वेरी गुड, यू आर आर लॉयल कस्टमर, वी आर गिविंग यू एडिशनल 50,000 ऑफ, 50,000 का हम नई गाड़ी पे आपको डिस्काउंट दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपके पास हमारी गाड़ी है ऑलरेडी, हमारी ब्रांड की गाड़ी है, ठीक है, तो हम 50,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी को रिवॉर्ड कर रहे हैं। नर्चरिंग रिलेशनशिप विद ईमेल एंड मोबाइल मार्केटिंग, भाई क्या कर रहे हैं आप लोगों को बैंक से, या फिर जो भी आप, जहां पे भी आपका अकाउंट है बैंक, जिस भी अकाउंट में आपका अकाउंट है बैंक में, वहां से आपको बर्थडे पे विश जरूर आएगा, आपके घर वाले करे ना करे, रिलेटिव करे ना करे, पर आपका बैंक जरूर विश करेगा, वी आर हैप्पी टू इन विश यू हैप्पी बर्थडे एंड वी आर ऑल्सो ऑफरिंग यू दिस एंड दिस सर्विस फॉर फ्री, या 50% ऑफ ऑन दिस एंड दिस प्रोडक्ट, ठीक है। रिवॉर्डिंग कस्टमर विद सच सजेस्टिंग लीड्स, भाई आप मेरे लिए लीड लेके आओ, गूगल वाले क्या कहते हैं या फिर कोई भी उबर ओला वाले क्या कहते हैं, भाई आप अपने फ्रेंड को रेफर करो और हम आपकी नेक्स्ट ट्रिप में 250 रुपीज ऑफ देंगे, 250 रुपीज ऑफ देंगे अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो। इन्वेस्टिंग इन सीआरएम टेक्नोलॉजी, भाई बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सीआरएम को यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम सो वी कैन कंपाइल द डेटा अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म। इनकॉर्पोरेटिंग प्रोएक्टिव रिटेंशन मेथड, भाई प्रोएक्टिव क्या होते हैं, प्रोएक्टिव मतलब हम बढ़ बढ़कर, आगे बढ़कर हम कुछ ऐसे प्रोसेसेस कर रहे हैं जिसमें हम कस्टमर को रोक सके अपने पास।
जिससे पहले उसके दिमाग में एक सेकंड के लिए भी आए कि यार छोड़, एक बार दूसरी प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, उससे पहले ही हम एक्ट करने के, भाई ये जाए ना, इसको जाने ना दें। जैसे एयरटेल का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब जियो आया था तो एयरटेल को डर हो गया था कि भाई सारे कस्टमर तो मेरे रिपोर्ट करा के चले जाएंगे। उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली, प्रोएक्टिवली दे टुक आउट एन एडवर्टीजमेंट, और उन्होंने उसमें बोला कि भाई आप जाना है आपको जाओ, बट लौट के आप हमारे पास ही आओगे। रीजन इज दैट पहले सब ट्राई करो, सारे कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करो, उसके बाद डिसाइड करो कि भाई किसके पास जाना है। सो दिस वाज द एडवर्टाइजमेंट बाय एयरटेल, ठीक है? सो दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू से कि भाई ट्राई एवरीथिंग एंड यू देन यू विल कम बैक टू अस, वी आर वेरी मच श्योर अबाउट इट। सो इनकॉर्पोरेटिंग प्रोएक्टिव रिटेंशन मेथड, करियर अपॉर्चुनिटीज इन सेलिंग, तो ये कुछ सेल्स प्रमोशन या जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जॉब भी हो सकते हैं, सेल्स मैनेजमेंट जॉब भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पोजीशनिंग रिलेटेड टू सेल्स, अकाउंट एग्जीक्यूटिव एंड एडवाइजर एंड एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट जॉब। सो दीज आर सम ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज। एडवांटेजेस ऑफ सेल्स करियर, भाई इसके ये कुछ एडवांटेजेस हैं, आप देख सकते हैं इसको। और मेजर्स फॉर मेकिंग सेल्स एज एन अट्रैक्टिव करियर, सो दीज आर, भाई सबसे ज्यादा इंसेंटिव बेस्ड सैलरी होती है, कॉम्पिटेटिव सैलरी होती है, प्रोवाइडिंग फ्रेट, आने जाने का खर्चा, ट्रेनिंग मिलती है उनको, टाइमली प्रमोशन मिलती है, और मिथ्स अबाउट करियर, जो भी सेल्स के सेलिंग करियर की मिथ्स जो है कि भाई बहुत प्रेशर है, ये है वो है, जो वो सब भी मिथ्स दूर करना, और प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, विच विल हेल्प मी। थैंक यू सो मच।